एक बार फिर से स्वागत है आप सबका कुक विद प्रभा में बिल्कुल नई और शानदार रेसिपी के साथ, जिसे आप ऐसे ही नहीं ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, एज ऑलवेज मैं कहना चाहूंगी कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम करते हैं इस स्वादिष्ट रेसिपी को बनाना स्टार्ट। तो व्रत में ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगी थोड़ा सा साबुदाना। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया साबुदाना। दोस्तों साबुदाना मोस्टली सबको पसंद होता है, व्रत में नहीं, ऐसे भी ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है साबुदाना। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मैश पोटैटो, आलू उबला हुआ मैंने मैश कर लिया था, उसको मैं इसमें डाल लूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी ग्रीन चिली मैं इसमें डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली डाल लिया। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। सेंधा नमक मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं ये व्रत के लिए बना रही हूँ। आप अगर ऐसे बना रहे हैं तो आप नॉर्मल टाटा नमक या कोई भी ब्रांड का नमक यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया है। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करने से पहले इसमें एक और चीज डालूंगी और वो है जीरा। मैं इसमें अभी डालूंगी जीरा, ये मैं इसमें थोड़े से जीरा डाल लूंगी। व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए एकदम सिंपल सा बना रही हूँ। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे, ऐसे ही बना रहे, तो आप कोई सा भी मसाला ऐड कर सकते हैं, जो जो आपको पसंद हो आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, ऐसे इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपस में और एक डो बना लेना है इन सारी चीज़ों का। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका डो बना करके रेडी कर लिया है। तो अभी आप क्या करिए कि आप ले लीजिए ये अप्पे का बर्तन, बिल्कुल इस तरीके का। और जो आप अप्पे का बर्तन लेंगे उसमें जितने भी छोटी छोटी कटोरियाँ बनी हुई हैं, आप सब में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए या फिर कोई भी घी डाल लीजिए। मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं व्रत हूँ तो यहाँ पे मैं घी यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्च्यून या रिफाइंड कुछ भी, अगर आप व्रत नहीं है तो यहाँ पे मैंने डाल लिया घी। मैंने सारी कटोरियों में घी को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अभी मैं क्या करूँगी, मैं घी वाला, मतलब जो अप्पे का बर्तन है, उसको रखूँगी साइड में और ये जो हमने डो बनाया है, हाथों में घी लगा करके इस तरीके हम इस डो पे थोड़ा सा घी लगा देंगे और अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेंगे। घी लगाने के बाद ऐसे, तो ये देखिए मैंने इसका डो रेडी कर लिया है घी लगा करके फिर से। तो ये मेरा डो रेडी हो चुका है। अब मैं इसका थोड़ा सा पार्ट ऐसे उठाऊंगी और बिल्कुल इस तरीके मैं इसका बॉल बना लूँगी, बिल्कुल ऐसे मैं सारे बॉल्स बना लूँगी इसके। तो अगर आप चाहते तो गीला गीला भी बना सकते थे, बट मुझे गीला गीला नहीं पसंद है। अगर आप गीला गीला बनाते तो इसमें आप थोड़ा सा ग्रेवी करते, थोड़ा सा पानी ऐड करते और भी ज़्यादा मैश करते इन सबको, बट मुझे बॉल्स जैसे अच्छे लगते हैं। क्योंकि अगर हम गीला बनाएंगे तो ये फूलेंगे नहीं ज़्यादा, बिकॉज हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम बिल्कुल सूखा सूखा इस तरीके बॉल्स बनाएंगे। तो मैं ऐसे सारे बॉल्स बना करके रखती जाऊँगी साइड में और बाकी सारे बॉल्स भी बिल्कुल ऐसे ही बना लूंगी। बिल्कुल इस तरीके में सारे लड्डू के शेप के बॉल्स बना लूंगी ऐसे। दोस्तों ये
जो व्रत की रेसिपी है इसको आप एज अ ब्रेकफास्ट भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है खाने में। मतलब मैं व्रत व्रत में मोस्टली इसी को बनाती हूँ। मैं साबूदाने की खिचड़ी वगैरह कम ही खाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता उतना, तो मैं यही ज़्यादातर बनाती हूँ और मेरे घर में सभी को पसंद आता है। मैं आपको बताऊँ, मैं बनाती अपने लिए हूँ व्रत में, बट देती पूरे घर में हूँ सबको एकदम इक्वल इक्वल, क्योंकि सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा बनाती हूँ ज़्यादातर, बट अभी क्या है कि थोड़ा सा आज कम ही बना रही हूँ क्योंकि घर में आज मेंबर्स कम हैं इसलिए। तो ये ऐसे सारे बना लूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं बिल्कुल इसी शेप के। कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये देखने में। अब मैं क्या करूंगी कि मैं लूंगी अप्पे वाला बर्तन जिसमें मैंने घी ग्रीस किया था, तो मैं एक एक करके ऐसे ये लड्डू उठाऊंगी और सब में रख लूंगी बिल्कुल ऐसे। और आज तो मजा ही आ जाने वाला है आप सबको। ये रेसिपी अगर आपने ट्राई किया ना तो आप इसके डेफिनेटली फैन होने वाले हैं आज। तो ऐसे मैं सारे लड्डू इसमें रख लूंगी, जितने अभी आएंगे एक बैच में उतने में रख लूंगी। आपको पता है मुझसे ना कभी भी कोई भी लड्डू वगैरह ना एक साइज के नहीं बनते, सब ना छोटे बड़े हो जाते हैं। तो फाइनली मैंने सारे लड्डू डाल लिए हैं। ये देखिए ये वाला सबसे ज्यादा बड़ा बना हुआ है। तो मैंने सारे लड्डू को डाल लिया है अप्पे के बर्तन में। तो अभी मैं करूंगी गैस का फ्लेम ऑन। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दूंगी और इसका जो लिड है अप्पे का उससे मैं इसको ढक दूंगी लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको चेक करूंगी। 2 मिनट बाद मैं लिड को हटाऊंगी और जितने भी ये मैंने बनाए हुए हैं इनको मैं दूसरी तरफ पलट लूंगी, क्योंकि दोस्तों मैंने बॉल्स बनाए हैं ना तो साइड साइड में थोड़ा ये कम ही पकेंगे अगर मैं इनको ठीक से पलटूंगी नहीं तो। तो ऐसे सबसे पहले तो एक चम्मच की मदद से हम इनको पलट लेंगे दूसरी तरफ बिल्कुल इस तरीके। बाकी सब भी हम ऐसे पलट लेंगे दूसरी तरफ। ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे ही सारे पलट लेने हैं, ऐसे ही सारे पलट लेने हैं दोस्तों। तो ये देखिए अभी मैंने सारे बॉल्स को पलट लिया है और मैं एक बार फिर से इनको लिड से ढक दूंगी फ्लेम को थोड़ा सा लो करके। तो दोस्तों अभी हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारे अप्पे दोनों तरफ अच्छे से पक चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं, गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर हम इनको पैन से मतलब कि इस बर्तन से निकाल लेंगे। तो अभी मैं इनको कर लूंगी सर्व। ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत बॉल्स बने हुए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। खाने में तो आज मुझे मज़ा ही आने वाला है। आप भी चाहें तो फटाफट से इसको बना सकते हैं जब भी आपका मन हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको बनाने में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये खाने में। तो मेरा तो आज का फलाहार बन गया और ये बहुत ही ज़्यादा यमी भी बना हुआ है। वीडियो शूट करना है इसलिए मैं दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं अब तक इसको खा रही होती। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलिए फटाफट से आप भी अगर आज मेरी तरह व्रत हैं तो इसको बना लीजिए और खा के देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खाने में। तो हमारी आज की रेसिपी, ब्रेकफास्ट रेसिपी कहें या फिर व्रत की रेसिपी कहें, बनकर रेडी हो चुकी है। कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी बनी हुई है ये देखिए, कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो मैं जा रही हूँ इसको खाने। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो फटाफट से कर ले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।